आपकी असीम कृपा है मैडम, जो आपने हमारी पुकार सुनी। कहिए श्री विष्णुदेव, किस प्रयोजन से आपने मेरा आह्वान किया है? आपकी अनुपस्थिति में घोर संकट उत्पन्न हो गया है भैरव। असुर अधिकाय अपने अत्याचार से, व्याभिचारी व्यवहार से संसार में स्थापित संस्कार, आचार, विचार और मर्यादा का विनाश करना चाहते हैं। वो महामाया के मान और मर्यादा पर प्रहार कर रहे हैं। ऐसे गंभीर समय में यदि आप अपने मूल रूप में नहीं आएंगे तो भारी अनर्थ हो जाए। माता महामाया सती के शील पर संकट। विचार का दंड भोगने को तैयार हो जा। अतिकाय का वध इतना सरल नहीं है भैरव। उसका अंत करने से पहले आपको महामाया की रची लीला का पात्र बनना होगा और उनके मोहिनी जाल में फंसे अतिकाय को युद्ध के लिए चुनौती देनी होगी। और उसके पश्चात आपको क्या करना है ये तो आपको ज्ञात नहीं। मेरे समीप आओ माया, निकट आओ मेरे। प्रेम में प्रिय से दूर रहना पाप है। सुख मन की सोच में है। सामीप्य और दूरी से ना तो सुख का निर्धारण होता है और ना ही प्रेम का। नहीं माया, जिस प्रेम में निकटता नहीं वो प्रेम प्रेम नहीं। दूरियां प्रेम का अपमान है और नारियां प्रेम का अपमान नहीं करती। आपकी इस व्यग्रता को देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। क्यों? मैं सोचती थी कि आप मेरे सच्चे प्रेमी हैं, किंतु आप भी सामान्य पुरुषों के भांति ही निकले हैं। आप भी औरों के भांति प्रेम को केवल पाना चाहते हैं, प्रेम की अनुभूति नहीं करना चाहते, प्रेम को पूजना नहीं चाहते। व्यग्रता ही तो प्रेम की पूजा है, उसकी अनुभूति है। जिस प्रेम में व्यग्रता नहीं होती वो प्रेम निर्जीव होता है माया। स्पंदनहीन प्रेम प्रेम नहीं होता। आपके कथने और करने में भारी अंतर है देव। आप जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वही असली प्रेम है, पवित्र प्रेम, जिसमें प्रेमी हृदय को जीत कर प्रेम के युद्ध में विजय होता है, ना कि बलपूर्वक विवश करके प्रेमी को प्राप्त करने की कोशिश करता है, जैसा कि आप कर रहे हैं। मैं नहीं जानती थी कि मैं जिससे पवित्र प्रेम करती थी उससे मेरे प्यार का ये प्रतिकार मिलेगा। ऐसा मत कहो माया। मैं लांछित नहीं कर रही, सत्य कह रही हूं। आप मुझसे पवित्र प्रेम नहीं करते। नहीं माया, मैं आपसे पवित्र प्रेम करता हूं। यदि तब भी आपको लगता है कि मैं आपको विवश कर रहा हूं तो मैं अपने पग रोक लेता हूं और तब तक पग आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक कि आप मुझे अनुमति नहीं देंगे। परंतु मेरा निवेदन है आपसे। अतिकाय अधर्मी पापी, कहां है तू? तो
तो तू है वो दुष्ट जिससे सारा संसार त्रस्त है। धन्यवाद भैरव, आप आ गए, मेरा दायित्व पूर्ण हुआ। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आया हो? जानते नहीं मैं इस धरती का ईश्वर हूँ? और इस तरह ललकारने का तात्पर्य? मैं निषाद हूँ और इस ललकार का तात्पर्य युद्ध की चुनौती है। अधिकाय युद्ध? हाँ युद्ध, आओ मेरे साथ युद्ध करो। और स्थान होता तो मैं तुम्हारी चुनौती अवश्य स्वीकार करता, परंतु जहां पर तुम खड़े हो वो सौभाग्य से युद्ध भूमि नहीं, प्रेम भूमि है। और मैं तुमसे यहां पर युद्ध नहीं कर सकता। प्रेम की ओट में अपनी कायरता छुपा रहे हो अधिकाय। कायर नहीं हूं मैं, मेरी शक्ति का साक्षी ये पूरा संसार है। दसों दिशाएं साक्षी हैं। सत्य कहा तुमने अधिकाय, दसों दिशाएं साक्षी अवश्य हैं, परंतु तुम्हारे अत्याचार की, किस तरह तुमने निर्दोष लोगों की हत्या की है, ये संसार साक्षी है तुम्हारे अहंकार का। अपनी शक्ति के अहंकार में तुमने स्वयं को महादेव के स्थान पर ईश्वर घोषित कर दिया, और ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। इसी कारण मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। आज मेरे हाथों तेरा अंत निश्चित है अधिकाय। तू देगा ईश्वर को मृत्यु यदि तू स्वयं जीवित रहना चाहता है, तो अपने सामने खड़े हुए ईश्वर का आधिपत्य स्वीकार कर ले। ईश्वर और तू कदापि नहीं, परंतु हाँ, यदि तू युद्ध में मुझसे विजयी हुआ तो तेरी अधीनता मुझे स्वीकार है, परंतु तू मुझसे पराजित हुआ तो तुझे पाताल लोक वापस लौटना होगा। बोल, स्वीकार है तो उठास्त्र। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। मृत्यु को सामने देखकर भी तुम्हें हंसी आ रही है मूर्ख? मैं अपने द्वारा दिए गए दान पर हंस रहा हूं, तुम्हारे जीवन दान पर। बहुत भाग्यशाली हो तुम कि तुम ऐसे समय पर मुझसे युद्ध करने आए हो जब मैं प्रेम रथ हूं, और प्रेम में रथ व्यक्ति युद्ध और रक्तपात नहीं करता। इसलिए युद्ध स्थगित हुआ, तुम जा सकते हो। अभी तो मुझे विवाह भी करना है। ये क्या, भैरव का आना और उनका उकसाना भी व्यर्थ चला गया? ये क्या कर रहे हैं आप? ये निषाद आपको युद्ध की चुनौती दे रहा है, आप उसे यूं ही बिना दंडित किए छोड़ रहे हैं? हाँ माया, शुभ अवसर पर किसी के प्राण नहीं लेने चाहिए। आओ, हम चलते हैं यहाँ से। इस प्रकार अतिकाय के मना करने पर महामाया की रची योजना असफल हो गई। किंतु प्रभु, एक पापी अधर्मी युद्ध करने से कैसे मना कर सकता है? देवी, उस पर आपका संदेह निराधार नहीं है। युद्ध ना करना उसका चित परिवर्तन नहीं था। तब क्या था? माता के श्रृंगार बाण का प्रभाव था। प्रेम और लिप्सा में वो इतना लिप्त हो गया था कि उसे चारों ओर प्रेम ही प्रेम दिखाई दे रहा था। किंतु प्रभु, अतिकाय के पास तो आपकी संहारक शक्ति थी। यदि भैरव अतिकाय से युद्ध करता भी तो क्या वो सफल हो पाता? भैरव और महामाया की वास्तविक मंशा क्या थी? माया, मैं अपनी व्यग्रता के लिए बहुत लज्जित हूँ।
क्षमा मांगता हूं मैं अपने व्यवहार के लिए। आपके मुखमंडल पर पश्चाताप का भाव स्पष्ट है, अर्थात आपकी क्षमा याचना में सच्चाई है। अर्थात आपने मुझे क्षमा कर दिया। प्रेम में क्षमा ना हो तो वो प्रेम कैसा? कितना भाग्यशाली हूं मैं कि आप मेरे जीवन में प्रेम स्वरूप बनकर आए, और बहुत जल्द हमारा ये प्रेम मिलन में परिवर्तित हो जाएगा। प्रेम की नियति तो निसंदेह मिलन ही होती है, किंतु हमारा मिलन संभव नहीं है। परंतु क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपके शरीर के ताप के कारण। जब तक आपके शरीर का ताप शांत नहीं होगा, तब तक हमारा मिलन भी नहीं होगा। यदि हमारे मिलन में मेरे शरीर का ताप ही बाधा है, तो मैं आपको वचन देता हूं, तपस्या करके मैं अपने शरीर के ताप को शांत करूंगा। परंतु हम हमारे विवाह के पश्चात। हाँ माया, अभी हम केवल विवाह करेंगे, और विवाह के पश्चात मैं आपको स्पर्श भी नहीं करूंगा। मैं अपने प्रेम को साक्षी मानकर आपको वचन देता हूं। देखो प्रिय, मैं अपने प्रेम के लिए अपने ताप की आहुति देने को तत्पर हूं। क्या आप उसके प्रतिकार में मुझे थोड़ी सी भी प्रसन्नता नहीं दे सकते? क्या आपको मेरे वचन पर विश्वास नहीं है? मुझे आपके वचन पर विश्वास है, किंतु आपको कल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कल तक की? परंतु क्यों? दो कारणों से। एक, प्रतीक्षा प्रगाढ़ प्रेम की पहचान होती है, और दूजा, कल सूर्योदय होते ही मेरे माता पिता लौट आएंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह उन दोनों की उपस्थिति में हो। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले हमें उन दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो, और मेरी डोली मेरे घर से विदा हो। बहुत ही उत्तम विचार है आपका। अयोग्य के लिए बहुत किया है, मैं आपका ये उपहार जीवन भर नहीं चुका पाऊंगी। माया, प्रेम में उपकार का कोई अर्थ नहीं होता। आप सच में बहुत महान हैं, किंतु मुझे भी अवसर दे अपने प्रेम को प्रदर्शित करने का। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि आप उसे ग्रहण करें। अवश्य, तुम्हारे प्रेम का उपहार मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान निधि होगी। लाइए दीजिए। भीतर आइए। चलिए। सारे व्यंजन किसके लिए? आपके लिए। मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया ये भोजन। किंतु इसकी क्या आवश्यकता थी? पारिवारिक परंपरा के निर्वाह के लिए ये आवश्यक था। हमारे परिवार की ये प्रथा है कि विवाह के एक दिन पूर्व होने वाला वर अपने होने वाली वधू के घर भोज के लिए बुलाया जाता है। समय नहीं था, हमारा विवाह कल ही है, तो परंपरा की कड़ी टूटे ना
मैंने माता पिता की अनुपस्थिति में ही ये आयोजन स्वयं कर लिया। आप आइए ना, आसन ग्रहण कीजिए। विवाह की वेदी पर आओ माया। माया माया उत्तर दो, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। माया जाने कहां रह गई है, अभी जाके देखता हूं। माया माया यहां तो नहीं है। माया माया तुमने अभी तक विवाह का परिधान नहीं पहना, क्या हुआ? हाँ वो इसलिए कि मेरे माता पिता अभी तक नहीं आए, मैं उन दोनों की अनुपस्थिति में विवाह नहीं करना चाहती। उनकी अनुपस्थिति में विवाह ना करने वाली बात करके तुम उचित नहीं कर रही हो माया। जिस प्रकार मैं अपना वचन निभा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम भी अपना वचन निभाओ। चलो विवाह के मंडप में, शुभ घड़ी निकली जा रही है। क्षमा कीजिएगा किंतु आपने अपना वचन नहीं रखा। मैंने आपसे कहा कि विवाह से पहले तप करके अपने ताप को शांत कीजिए, किंतु वो आपने नहीं किया। आप कह रही हूँ विवाह से पहले मेरे माता पिता की प्रतीक्षा कीजिए, किंतु वो भी आप नहीं कर रहे। फिर कौन सी बात मान रहे हैं आप मेरी, कौन सा वचन निभा रहे हैं? यही है आपका प्रेम? बस प्रेम की परिभाषा मुझे मत समझाओ माया। यदि तुम प्रेम पूर्वक मेरे साथ विवाह मंडप नहीं चली तो मुझे तुम्हें बलपूर्वक लेके जाना होगा। अब ये तुम्हारा निर्णय है कि तुम कैसे चलोगी, क्योंकि मेरा निर्णय अटल है। आज मैं किसी भी स्थिति में तुम्हारे संग विवाह करूंगा। लो पहनो वरमाला। नहीं, मैं वरमाला नहीं पहनूंगी और ना ही पहनाऊंगी। मैंने कहा वरमाला पहनो माया। देखिए आप मेरी बात मानिए, मैं मिलन से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहती। मैं जानती हूँ आपकी शक्ति को, कृपया हट मत कीजिए। मैं आपके ताप को सहन नहीं कर पाऊंगी, मैं उन फूलों के भांति भस्म हो जाऊंगी। तुम फूल नहीं मेरा प्रेम हो माया। मैं अपनी माया को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा उसे। माया 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 तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो कब से आपकी यही प्रतीक्षा कर रही हूँ।
किंतु आप इतने व्यथित क्यों हैं? नहीं नहीं, बहुत समय से तुम्हें देखा नहीं तो ऐसे ही पूछ लिया। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। देखिए, मेरे माता पिता भी आ गए हैं और विवाह की सारी तैयारियां भी पूर्ण हो गई। आप दोनों धन्य हैं जो आपको ऐसी पुत्री मिली। तो विवाह की विधि आरंभ करें। वरमाला डालो। अब क्या हुआ महाकाल, आप ऐसे पीछे क्यों हट गए? मेरी पुत्री से कोई भूल हुई क्या? वो आपके योग्य नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पुत्री जैसी कन्या तो संपूर्ण संसार में नहीं, और इन्हें पत्नी रूप में पाकर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। फिर पग पीछे हटाने का कारण? मैंने एक स्वप्न देखा कि जब मैं इन्हें वरमाला पहना रहा हूं तो ये जलकर भस्म हो गए। बस उसी का भय है। इस स्वप्न का कारण आपके मन की चंचलता है और कुछ नहीं। आपने ये स्वप्न इसलिए देखा कि कहीं ना कहीं आपके मन में ये बैठा हुआ है कि मैं आपका ताप सहन नहीं कर पाऊंगी और विवाह के उपरांत एक होते ही मैं मर जाऊंगी। यदि ऐसा है तो अत्यंत दुखद है। हाँ, सुख के पल आरंभ होने से पहले ही जीवन में अवसाद का ग्रहण लग जाए तब तो पूरा जीवन नर्क की यातना के समान बीतेगा। इससे मुक्ति का कोई तो उपाय होगा। उपाय है माँ, इस संकट से मुक्ति का एक ही उपाय है, तप। तो क्यों ना महाकाल पहले तप कर ले, तत्पश्चात विवाह। हाँ महाकाल, यही सर्वोत्तम है। किंतु महाकाल ऐसा करना नहीं चाहते पिताश्री। कृपया आप उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य ना करें। नहीं नहीं, मुझे यह स्वीकार नहीं, मुझसे यह देखा नहीं जाएगा। किंतु मुझे स्वीकार है माँ, यह मेरा विवाह है, मैं वही करूंगी जो ये कहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे अपने जीवन की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। नहीं माया, नहीं, तुम्हारा जीवन मेरे लिए बहुत अमूल्य है और तुम्हारी कुशलता के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम बस बोलो मुझे क्या करना है। सचमुच आप वो करेंगे जो मैं कहूंगी? हाँ करूंगा। तो आपको हिमालय जाना पड़ेगा, तप करके अपना ताप शांत करना होगा। ठीक है, मैं बस अभी जाता हूँ, तो मेरी प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र लौटूंगा। Yes.
प्रणाम है महामाया। आपने जिस प्रकार चतुराई और कुशलता से इस संकट को समाप्त किया, वो युगों युगों तक इस संसार में याद किया जाता रहेगा। अब और कोई भी बाधा, कोई विघ्न नहीं आ सकता मार्ग में। आप धन्य है माता, धन्य है। गुरु अनर्थ हो गया। असुरराज अतिकाय ने हिमालय पर्वत पर जाकर अपने तपते शरीर को शीतल करने के लिए समाधि ले ली। क्या अर्थात माया छल करने में फिर से सफल हो गई? और दैत्य गुरु संयोग देखिए, उसने उसी स्थान पर समाधि ली है जिस स्थान पर सती की ग्रीवा गिरी है। अतिकाय तपस्या करने वाला है, वो स्थान शक्ति के प्रभाव से शीतलता प्रदान करने वाला है। जब ताप ही समाप्त हो जाएगा, विनाश कैसा है? मुझे शीघ्र ही उसे रोकना होगा, अन्यथा देवताओं की योजना के अनुसार अतिकाय स्वयं अपना सर्वनाश कर लेगा। अतिकाय, अपने नेत्र खोलो, मन करो ये तपस्या। क्या नर्क कर रहे हो तुम अतिकाय? तप कर रहा हूँ गुरुदेव, अपने शरीर के ताप को शांत करने के लिए तप कर रहा हूँ। तो अंततः तुम उन कपटी देवताओं के रचे माया के जाल में उलझ गए और उस मोहनी शक्ति के वशीभूत हो अपने विनाश के तट तक पहुंच गए। ये मेरा विनाश नहीं, विस्तार है, मेरे प्रेम का विस्तार, जो जीवन का सार है। षड्यंत्र को समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम अभी तक उस माया के सम्मोहन में हो। उसके प्रभाव से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। तुम अपने मूल स्वरूप में लौट ही आए। मूल स्वरूप? परंतु मैं कहां हूं? हिमालय में। हिमालय में? किंतु मैं तो कहां
कहाँ है वो दुष्ट जिसका मैं पीछा कर रहा था? कहाँ है वो? अतिकाय, जिस स्त्री का तुम पीछा कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि महामाया है, आदि शक्ति का ही एक रूप। वो देखो सामने। पिंड दिख रहा है उसी शक्ति पिंड में स्थापित है वो। किंतु मैं यहां कैसे आ गया? किसके कहने पे आया? उसी महामाया के कहने पे। देवताओं ने उसको माध्यम बनाया तुम्हारे विनाश का। वे चाहते हैं कि तुम उसी माया के वश में रहो और वे तुम्हारा अंत कर दें। दुष्ट तो शक्तिपीठ पर ही आक्रमण कर रहा है। यदि इसने शक्तिपीठ को नष्ट कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। कौन? तुम्हारा अंत। शक्तिपीठ का रक्षक मेरा अंत कोई नहीं कर सकता, ना ही मुझसे उस शक्तिपीठ को कोई बचा सकता है। मेरे रहते हुए तुम्हारी परछाई भी शक्तिपीठ को छू नहीं सकती। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं है। सोचा था कि सबसे पहले मां माया शक्तिपीठ का अंत करूंगा, परंतु अब तू मेरे सामने बाधा बन के आ गया है। तेरा अंत अनिवार्य है। We'll be right back.
अशक शक्तियां नहीं। अंततः भैरव ने अतिकाय के शरीर से महादेव की विनाशक शक्ति खींचकर बाहर निकाल ही दी, किंतु वो शक्ति अतिकाय के शरीर से निकलकर कहां गई देवराज? उस शक्ति को भैरव ने स्वयं में समाहित कर लिया है, किंतु उस विनाशक शक्ति को महादेव के सिवा और कोई धारण नहीं कर सकता, फिर भैरव ने कैसे? आप भूल रहे हैं देव, भैरव महादेव की ही संहारक शक्ति का प्रतिरूप है। यदि इस संसार में शक्ति को कोई धारण कर सकता है तो वो स्वयं भैरव ही है। आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, अब इस पापी का अंत निश्चित है। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। अपने भक्तों पर अपनी कृपा इसी प्रकार बनाए रखें और संकट से उनकी रक्षा करें। मैं महामाया के रूप में यहां सदा के लिए स्थापित रहूंगी और मेरे भैरव सिद्धेश्वर भीम रूप में यहां स्थापित रहेंगे। माता महामाया की जय। माता महामाया की जय। भैरव सिद्धेश्वर की जय। प्रकार महामाया ने अतिकाय का अंत कर धरती पर पुनः संतुलन स्थापित किया और जगत को आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त माता महामाया शक्ति पीठ पर आकर प्रार्थना करेगा, अपना शीश झुकाएगा, उसे माता महामाया की कृपा प्राप्त होगी, उसके जीवन में संतुलन बना रहेगा।